हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा अंडरस्कोर वर्ल्ड। और मैं हूँ सिप्रा। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मेनोपॉज। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे कुछ आंटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे वुमेन हैं मेरे लाइफ में जो लोग इस दौर से गुजर चुके हैं ऑलरेडी। और ये एक्चुअली होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ के ऊपर, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारे चीज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। क्योंकि इसका जो मेंटल असर पड़ता है ना एट दैट एज, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है वुमेन के लिए, क्योंकि सडनली एक साइकिल चलता रहता है आपके लाइफ में और जब वो स्टॉप हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आता ही है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और कैसे उसके साथ आप डील कर सकते हैं एक हैप्पी लाइफ हेड करने के लिए, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मेनोपॉज, ये टर्म का मतलब ही क्या है। अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ तो इन मेडिकल टर्म्स इट्स द नेचुरल डिक्लाइन इन द रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। जब एक वुमेन के बॉडी में नेचुरली जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं उसमें डिक्लाइनेशन आता है, जब वो वुमेन अपने 40s या 50s एज में होते हैं, उस टाइम पे आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। ये कैसे डायग्नोज होता है, जब आपका एक मेंस्ट्रुअल पीरियड 12 मंथ्स का गैप हो जाए, मतलब आपको कम्प्लीटली ये जो मेंस्ट्रुएशन का हमारा हर मंथ जो पीरियड चलता रहता है, अगर आपको बिल्कुल भी ब्लीडिंग ना हो और वो एक्सपीरियंस आप 12 मंथ्स तक एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसका मतलब यू हैव गट योर मेनोपॉज। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल साइकिल में बहुत बड़ा चेंजेस है। इसके थ्रू क्या होता है ना, आपको एक साइन मिलता है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड लाइफ लॉन्ग के लिए स्टॉप हो चुका है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स सिम्टम्स। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मेनोपॉज हो चुका है, उसका सबसे पहला सिम्टम्स है आपका इरेगुलर पीरियड्स, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। अगर आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है, सपोज आपका 1 month में पीरियड हो रहा है फिर 2-3 महीना रुक जा रहा है, या फिर आपका 1 month में पीरियड अप टू 12-15 days हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग 2 days हो रहा है, और 12-15 days पीरियड में आपका 2 days ब्लीडिंग हो रहा है, फिर 4 days गैप हो रहा है, फिर से हो रहा है, या फिर आपका कम्प्लीटली 8-9 months तक बिल्कुल नहीं हो रहा है फिर हो रहा है उसके बाद, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ मेनोपॉज यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उसको छोड़ के आपका वजाइनल ड्राइनेस, आपको हॉट फ्लैशेस होना, आपको चिल्स होना, मतलब आप स्वेट कर रहे हैं और अचानक से आपको ठंड लगना कुछ देर के बाद, नाइट स्वेट्स, आप रात में सो रहे हैं और आपको पसीना पसीना हो रहा है जबकि वेदर ऐसा है ही नहीं। उसको छोड़ के आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस, आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है, आपका बाल जो है वो थिन होता जा रहा है और आपका स्किन ड्राई दिख रहा है। देन नेक्स्ट है लॉस ऑफ ब्रेस्टफुलनेस, देन आपका सडन वेट गेन हो जाना, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाना, देन आपका ड्राई और इची स्किन होना, कंस्टिपेशन होना, डिजीनेस फील होना, आपको किसी बात पे पैनिक अटैक्स आना, देन नेक्स्ट है आपका ड्राई माउथ, देन बेली फैट, आपका सडनली बेली फैट इंक्रीज हो रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं बेली फैट लूज नहीं हो रहा है, ये भी एक सिम्टम है। देन नेक्स्ट है रेज, देन आपको हेडेक, फ्रीक्वेंट हेडेक होना, ये भी एक सिम्टम है। देन नेक्स्ट है आपका बीपी, ब्लड प्रेशर आपका सडनली हाई हो जाना या फिर लो हो जाना, कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में सडनली कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे हैं डिपॉजिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये भी एक सिम्टम्स उसकी तरफ इशारा करता है। इंसोम्निया, देन आपका है ड्राई आईज, देन सो ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स है जो इंडिकेशन देते हैं टूवर्ड्स द टाइम ऑफ मेनोपॉज। ये आपको बहुत एक्टिवली ऑब्जर्व करना है और वक्त रहते आपको अपने डॉक्टर के साथ इसके थ्रू
क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके साथ डील किया कैसे जा सकता है, आप अपने डॉक्टर से टच में रहिए और जितना अर्ली हो सके अगर आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो आपको मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आए। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मेरा पेरीमेनोपॉज। सो पेरीमेनोपॉज क्या होता है? पेरीमेनोपॉज आपका मेनोपॉज होने के 8 to 10 years बिफोर शुरू हो जाता है। ये नॉर्मली शुरू होता है एट द एज ऑफ योर 40s। जब आप अपने 40s में होते हो तो क्या होता है ना, आपके ओवरीज जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं ना उसका काउंट लेस होता जाता है, ग्रेजुअली डाउन होता जाता है। और पेरीमेनोपॉज तब तक कंटिन्यू करता है जब तक आपका मेनोपॉज हो ना जाए, क्योंकि तब क्या होता है ना, ये जो ओवरीज में जो एस्ट्रोजन का लेवल कम तक कम होता जाता है, आपका ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। और लास्ट 1 to 2 year ऑफ योर पेरीमेनोपॉज पीरियड, 1-2 साल का जो पीरियड रहता है पेरीमेनोपॉज में, उसमें आपका ये जो एस्ट्रोजन लेवल प्रोडक्शन का जो घटता जाता है ना लेवल, वो एक्सेलरेट होता है। और तब ज़्यादातर औरतें ये मेनोपॉज का सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, उनको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस पीरियड में आपका स्टिल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है, आपको पीरियड्स होता रहता है और यू कैन गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल टाइम है प्रेग्नेंट होने के लिए, बट क्योंकि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इफ़ योर बॉडी परमिट्स देन यू कैन गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो। देन फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट स्टेज है मेनोपॉज। मेनोपॉज एक क्लियर इंडिकेशन है दैट दिस इज द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर लाइफ टाइम। ये टाइम में आपके ओवरीज एग प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। इससे क्या होता है ना, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। आप अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो ये मेनोपॉज वो तब डायग्नोज करेंगे जब आपको 12 consecutive months तक अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है, हर महीने आपको जो पीरियड आता है, अगर वो लगातार 12 महीने तक आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका मेनोपॉज हो चुका है। दिस इज द क्लियर इंडिकेशन। फ्रेंड्स, मेरा थर्ड पॉइंट है पोस्ट मेनोपॉज। ये नाम तब दिया जाता है फ्रेंड्स जब आपका मेनोपॉज हो जाता है और उसके बाद का जो पीरियड रहता है, अगर आपको एंटायरली 1 year तक या फिर लाइफ टाइम में आपको बिल्कुल भी पीरियड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप पोस्ट मेनोपॉज पीरियड में हो। इसमें आपका जो हॉट फ्लैशेस होता है ना, कुछ टाइम के बाद ये बेटर हो जाता है, आपको वो एक्सपीरियंस करना नहीं पड़ता है। लेकिन किसी किसी के केस में स्टिल फॉर अ डिके उनको ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। कुछ कुछ सिम्टम्स जैसे होते हैं स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस वगैरह, उनको कुछ टाइम तक एक्सपीरियंस करना पड़ता है किसी किसी केस में। और मेनोपॉज होने के बाद क्योंकि आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल घटता जाता है, बहुत सारे वुमेन को हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के रिस्क रहते हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है हार्ट डिजीज। बहुत सारे वुमेन को ये चीज़ फेस करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया अबाउट द स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द हार्मोनल चेंजेस हैपन इन योर बॉडी ड्यूरिंग मेनोपॉज। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो चेंजेस होता है हमारे बॉडी में ड्यूरिंग मेनोपॉज वो ये है, व्हेन आवर ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स। देखिए, आपके ओवरीज जो है वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है जो एग्स को स्टोर करते हैं और रिलीज भी करते हैं। उसके साथ साथ वो हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स भी जनरेट करते हैं, रिलीज करते हैं, बॉडी को हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका हो गया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरन नाम के जो दो हार्मोन्स है वो दोनों मिलके मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं। इसको छोड़ के एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बॉडी का जो कैल्शियम है उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, और वो ये चीज़ को मेंटेन करता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना रहना चाहिए।
सो ये काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में ड्यूरिंग मेनोपॉज, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल घटता जाता है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं किसी किसी के केस में। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ डू वी नो दैट वी हैव फेस्ड अ मेनोपॉज। मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको 12 कंजिक्यूटिव मंथ्स तक पीरियड ना हो, इसका मतलब ये है कि यू हैव ऑलरेडी फेस्ड अ मेनोपॉज एंड यू आर इन द पोस्ट मेनोपॉज पीरियड। आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, इफ 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स के बाद भी आपको किसी दिन ब्लीडिंग हो रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग आपको हो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट योर हेल्थ प्रोवाइडर। मेनोपॉज के पीरियड के बाद ब्लीडिंग होना, इट कैन बी अ रिस्की हेल्थ इश्यू इन सम ऑफ द वुमेन केसेस, सो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। मोस्टली फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी में जो हर किसी के लाइफ में आता है एट अ सर्टन एज। तो ये कोई सीरियस इश्यू नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल। अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो इसका, तो डॉक्टर से आप अगर कंसल्ट करेंगे वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही है, हर किसी के लाइफ में ये दौर तो होना ही है। तो इसका जो सिम्टम्स है जो आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आप उस सिम्टम्स का कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो थोड़ा बेटर हो जाए ताकि आपको रिलैक्सेशन मिले। इसके दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, एक है हार्मोन थेरेपी, दूसरा है नॉन हार्मोनल थेरेपी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हार्मोनल थेरेपी, सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट है हार्मोनल थेरेपी। फ्रेंड्स, आपको तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब आप मेनोपॉज फेस करते हैं तब आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होता है, आपके बॉडी में जो हार्मोन लेवल्स है वो घटता जाता है, मोस्टली आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल। तो आप अगर हार्मोनल थेरेपी का ट्रीटमेंट लेते हैं, ये आपके जो हार्मोन लेवल है उसको बूस्टअप करता है, जो आपके लॉस्ट हॉर्मोन्स है वो आपके बॉडी में वापस लाता है। और ये भी दो तरह के होते हैं, जैसे है एक एस्ट्रोजन थेरेपी, दूसरा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। ये थेरेपीज तो बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसके द्वारा, ये ट्रीटमेंट के द्वारा आपको हेल्थ रिस्क भी रहता है। क्या क्या हेल्थ रिस्क रहता है, मैं आपको कुछ कुछ डिजीज के बारे में बता देती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है इस थेरेपी के द्वारा, ताकि आप थोड़ा अर्ली इनिशियल स्टेजेस में ही इन सारे चीज़ों को ट्रीटमेंट करना शुरू कर दे, और ये थेरेपी के द्वारा आप अपने डॉक्टर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। जिसमें हेल्थ रिस्क में सबसे पहला पॉइंट है मेरा इंडोमेट्रिकल कैंसर। यस, किसी किसी के केस में इंडोमेट्रिकल कैंसर भी हो सकता है। ये कब होता है, जब आप इस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हो एज अ ट्रीटमेंट और स्टिल यू हैव योर यूट्रस, तब इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और आपको ये डिजीज का चांसेस रहता है। दूसरा है आपका गल स्टोन्स और गल ब्लैडर इश्यूज, गल ब्लैडर इश्यूज भी आपको हो सकते हैं इन्फेक्शन होके। तीसरा है आपका स्ट्रोक, आपको माइल्ड स्ट्रोक या फिर सीवियर स्ट्रोक भी हो सकता है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज। देन फोर्थ है आपका ब्लड क्लट्स, बॉडी में ब्लड क्लट्स भी हो सकते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये सारे हेल्थ रिस्क रहता ही है ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट, सो आप अपने बॉडी के हिसाब से डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए, आपका फुल बॉडी चेकअप कराइए, आपके बॉडी को कौन सा ट्रीटमेंट सूट करता है, अकॉर्डिंगली यू गो अहेड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। ये ट्रीटमेंट्स उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है जिन लोगों को अदर मेडिकल कंडीशंस है, या फिर जो लोग रिसेंटली डायग्नोज होके ट्रीटमेंट होके ब्रेस्ट कैंसर में आए हैं, जो ये फेज के थ्रू गो थ्रू कर चुके हैं, उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। मोस्टली आपके लाइफस्टाइल में और आपके डाइट में चेंजेस आता है ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट, जिसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना डाइट चेंज कीजिए, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप अवॉइड द ट्रिगर्स टू योर हॉट फ्लैशेस, आप
देन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस जो भी है आप उसको फॉलो कीजिए। तो ये सारे जो है ये नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स के अंडर ही आता है। आप ट्राई करिए ये ट्रीटमेंट एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट फॉर श्योर, बिकॉज इट्स प्रूवन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे सराउंडिंग में जो भी वुमेन है ये इसके थ्रू जा चुके हैं, और वो लोग अपना एक्सपीरियंस जब मेरे साथ शेयर कर रहे थे तो मुझे जानने के लिए मिला कि एक्चुअली उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या सिम्टम्स था, और उनका जो ट्रीटमेंट उन्होंने लिया है उसके थ्रू उनको क्या क्या सक्सेस मिला है। ट्रस्ट मी गाइस, उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिला है। दे आर हैप्पी नाउ इन देयर लाइफ एंड टू मच रिलैक्स्ड आफ्टर ट्रीटिंग देयर सिम्टम्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपका थोड़ा बहुत मदद कर पाई। जो भी लोग इस फेज से अभी जा रहे हैं या फिर ये फेज वो लोग फेस कर चुके हैं, उनका भी थोड़ा बहुत मैंने मदद कर दिया है ये ट्रीटमेंट के बारे में बता के। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ और इन्फो चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक टू द वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ आई ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन माई अपकमिंग पोस्ट। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बराबर आपके पास आते रहे और आप मेरा वीडियो कुछ भी मिस ना करें। आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, आई होप आगे भी मिलता रहे। जब तक मैं अपना नया वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ विद सम मोर वैल्यूएबल इन्फो ऑफ रियल लाइफ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए आप लोग को बहुत सारा प्यार। बाय।